लोगों को इससे आगे पढ़ा चुके थे, अब आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, आगे इसको बढ़ाते हैं। इस वीडियो में लगे रहिए आप लोग, वीडियो आप लोग अच्छा से उतारिए फ्रेस से, उसके बाद पढ़ते हैं आगे यहाँ से। अब है क्या विज्ञान, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में साइंस। पृथ्वी पर सबसे पहले जीवों की उत्पत्ति हुई थी, तो नील हरित शैवाल का जन्म हुआ था। जो नील हरित शैवाल जो है एक प्रकार का पादप है, अर्थात पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा है। तो जिस समय उसका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, उस समय पृथ्वी पर एकमात्र तत्व नहीं था, वह तत्व कौन नहीं था, तो ऑक्सीजन अर्थात O2 नहीं था। जिस और O2 नहीं था तो उसका जन्म कैसे हो गया, तो O2 नहीं था तो पानी तो था वातावरण, तो पानी था तो नील हरित शैवाल का जन्म पानी में ही हुआ था, और पानी था पानी में हुआ, और पानी को नील हरित शैवाल यानी पादप जो है ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसे ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त किया, और मुक्त करने के बाद धीरे धीरे अन्य जीवों की उत्पत्ति होना शुरू हो गया। लेकिन मानव का प्रवेश जो है आज से लगभग 30,000 से 40,000 वर्ष पहले हुआ था। लेकिन मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वह क्या है, होमो सेपियंस है। इसीलिए ज्ञानी मानव जो है जिसको कहते हैं हम लोग क्या, होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। और इस होमो सेपियंस का प्रवेश जो है आज से लगभग पृथ्वी पर 10,000 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, साइंस है, साइंस को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन है, एक आ गया लिविंग साइंस जिसको हम लोग कहते हैं सजीव विज्ञान, और एक आता है नॉन लिविंग साइंस जिसको कहते हैं निर्जीव विज्ञान। लिविंग साइंस दो प्रकार का, दो भागों में बांटा गया है, बोटनी और जूलॉजी। बोटनी मतलब हो गया वनस्पति विज्ञान, जो जूलॉजी मतलब हो गया जंतु। और नॉन लिविंग साइंस को भी दो पार्ट में बंटवारा किया गया, कौन कौन हो गया, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे क्या, सभी सब्जेक्ट के सभी विषयों के जनक अर्थात पिता किनको कहा जाता है, फिर आगे इसी में पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट। जनक जिसको कहते हैं हम लोग पिता, जनक पढ़ते हैं सभी विषयों के, किसको किसको कहते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी किसको कहते हैं, न्यूटन साहब को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स का आधुनिक पिता किसको कहते हैं, आइंस्टीन साहब को कहते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री रॉबर्ट बॉयल को कहते हैं, रसायन शास्त्र का पिता रॉबर्ट बॉयल को कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री आधुनिक केमिस्ट्री का पिता किसको कहते हैं, तो लेबोजियर साहब को कहते हैं। फादर ऑफ बोटनी यानी किसको कहते हैं, तो जो फेस्टर साहब को कहते हैं। अब फादर ऑफ मॉडर्न बोटनी किसको कहते हैं, लेनियस साहब को कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब को कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स अरस्तु साहब को कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। फादर ऑफ सिविक्स अरस्तु साहब को कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी भूगोल का पिता हिकेटियस को कहते हैं, जबकि वर्तमान भूगोल का पिता किसको कहा जाता है, हम्बोल्ड को कहा जाता है। फादर ऑफ हिंदी, फादर ऑफ हिंदी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। और फादर ऑफ संस्कृत पाणिनी को कहा जाता है। और एक आउट लिख लीजिए आप, क्या साइड में लिख लीजिएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी इसको कहते हैं अरस्तु साहब को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है, अरस्तु साहब को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु साहब को इसीलिए कहते हैं क्योंकि अरस्तु साहब ने जो है साइंस को दो पार्ट में बांटा गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और इसको जो है बायोलॉजी को भी विज्ञान की एक शाखा के रूप में जोड़ने के कारण से अरस्तु को बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग इसी तरह से बने रहिए वीडियो पे, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।